back to our YouTube channel Shah Fashion Valley. If you are new here, please take a moment to subscribe. आज की वीडियो में हम एक सिंपल सा शॉर्ट कुर्ता बनाने वाले हैं जिसमें स्ट्रैप होगी, नेक वगैरह नहीं होगा. और कुर्ते की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 26 इंच, चेस्ट 32, वेस्ट 28, हिप 32, शोल्डर मतलब शोल्डर के जो इतना गैप होगा मतलब यहाँ से 3 और 3 ऐसे करके 12 इंच का ये गैप होगा हमारा. और नेक मतलब नेक हम इसे बनाने वाले हैं. जो स्ट्रैप होगा ना वो कितना लेंथ पे होगा, मतलब ये जो स्ट्रैप की लेंथ होगी ना ये 4 इंच की होगी आगे और 4 इंच की होगी पीछे. तो ये होगी स्ट्रैप की लेंथ. टोटल लेंथ होगी 8 इंचेस और ये यहाँ से 4 यहाँ से 5 ऐसा ऐसे आएगा. तो मैं इसकी कटिंग कपड़े पर शुरू करती हूँ. कपड़े के लिए हमने एक ही नेक लिया है गोल्डन कलर का और इस पर जो हम लाइनिंग लगाएंगे वो है ये गोल्डन कपड़ा है ये भी. तो मैं इसे कटिंग शुरू करती हूँ और उसके ऊपर बस ये लगाएंगे स्ट्रैप होगी इस कपड़े की. मैं कटिंग शुरू करती हूँ. जो हमने मेन कपड़ा लिया है ये 1 मीटर है, नेट वो भी 1 मीटर है. कुर्ता जो होगा वो होगा एकदम शॉर्ट सा कुर्ता और ऊपर भी स्ट्रैप होगी तो कपड़ा कम से कम जाएगा. प्लस जो मार्जिन लेंगे वो भी हम थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है. तो जैसे हमारी नॉर्मल मार्किंग लगती है यहाँ से 6.5 इंच इसमें बस निशान लगाने हैं, ये कटेगा नहीं. और यहाँ से 7 इंच कपड़े को मैंने 4 लेयर फोल्ड कर रखे हैं ऑलरेडी. मैं एक साथ ही सब काट रही हूँ. जो हमारी चेस्ट है वो है 8 इंच, 8 चौक 32 हमारी चेस्ट है. प्लस ये 1.5 इंच 1/4 इंच का मार्जिन है, 8 इंच 1/4 इंच का मार्जिन है. ऊपर से 13 इंच पे वेस्ट जो कि हमारी 28 और 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे. तो ये कुछ ऐसे और यहाँ से 12 इंच पे हिप की मार्किंग. अभी कटिंग कुछ नहीं करेंगे हम. तो ये मेरे सूट की कटिंग होगी और लंबाई और ये 26 इंच हमारे सूट की लेंथ है. 2 इंच का मार्जिन जो फोल्ड में जाएगा बस इसको स्ट्रेट कर लेना है. इस कपड़े को सीधा रख के आप इधर देख सकते हैं मैंने यहाँ लगभग 3 इंच ये लगभग 3 इंच का कपड़ा रखा है जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है स्ट्रैप के लिए. ये सिंगल लेयर कपड़ा है जिसके बाद में स्ट्रैप लगाऊंगी. ये कटेगा. अब मैं यहाँ से नेक का निशान लगाऊंगी. नेक यहाँ बीच से होगा हमारा 5 इंच, आगे पीछे दोनों सेम होगा और यहाँ से 4 इंच कुछ ऐसा आएगा. ये कटेगा और यहाँ 4 इंच की स्ट्रैप आ जाएगी तो ये सूट प्रॉपर हो जाएगा. तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ. तो ये मेरा गोल्डन लाइनिंग वाला कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया और इसी के सेम मेजरमेंट में मैंने नेट को भी कट कर लिया है. अब जो ऊपर से हमने यहाँ से काट के निकाला था ना इतना ये वाला कपड़ा, इसी से हम इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि हम अलग से नेक नहीं बना रहे हैं. तो पहले मैं ये कपड़ा लूँगी उसके ऊपर ये बिछा के अब बस ऐसे. और ये जो ऊपर से बचा था ना इसको मैं इसके इक्वल काट के ऐसे बस ऐसे काटूंगी और ये पीछे कर दूंगी ताकि यहाँ नेक क्लीन आ जाए. मैं ये करके दिखाती हूँ पहले. ये हो गया फ्रंट वाला. यहाँ पीछे पीछे इसको हमने स्ट्रेट कर लिया है. अब 13 इंच है तो 6.5 इंच इसका मिड पॉइंट, 6.5 से 3 इंच इधर 3 इंच इधर. यहाँ पर हम ऐड करेंगे दिखेगा चेंज से
तो हमने साइड की फिटिंग कर ली है और जो ये फोल्ड होते हैं इसे भी कर लिया है, और इसी के साथ जो हमारा कुर्ता है वो बनके रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।